फ्रेंड्स, हमारे अर्थ पर जितने रेत के दाने मौजूद हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे इस विशाल यूनिवर्स में तारे मौजूद हैं, जिसे गिनने मात्र में ही हमें अरबों सालों का समय लग जाएगा। पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे एक समान नहीं हैं। इनमें से कुछ तारे हमारे सन के समान मेन सिक्वेंस स्टार्स हैं, जैसे कि ब्लू स्टार्स, येलो ड्वार्फ एंड रेड ड्वार्फ। तो कुछ बेहद ही विशाल सुपर जायंट स्टार्स हैं, जैसे कि ब्लू जायंट, ब्लू सुपर जायंट, रेड जायंट एंड रेड सुपर जायंट। ये सभी तारे अपनी मृत्यु के बाद वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक ड्वार्फ और ब्लैक होल्स का रूप ले लेते हैं। वहीं कुछ तारे ब्राउन ड्वार्फ होते हैं। जो तारे जितने बड़े तो होते हैं, मगर कुछ रीजन से तारे बन नहीं पाते और उन्हें फील्ड स्टार कहा जाता है। पर इन सभी तारों में सबसे खास तारे होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी तारों में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक में मौजूद स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी और जीवन की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी से भरा हुआ ट्रैपिस्ट 1 स्टार्स भी एक रेड ड्वार्फ स्टार ही है। ये तारे बेहद ही खास होते हैं, जिनके आसपास मौजूद प्लैनेट्स पर जीवन के पनपने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। साथ ही इन्हें हमारे यूनिवर्स का अश्वत्थामा भी कहा जाता है, जो कि हजारों बिलियन सालों तक नहीं मरते। और भी ऐसी कई बातें हैं जो इन तारों को सबसे अलग और ख़ास बनाती हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो व्हाट आर द रेड ड्वार्फ स्टार्स? फ्रेंड्स, रेड ड्वार्फ स्टार्स का जन्म दूसरे मेन सिक्वेंस स्टार्स की ही तरह होता है। सबसे पहले गैस और डस्ट के विशाल बादल ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगते हैं और धीरे धीरे घूमना शुरू कर देते हैं। सारा मैटर धीरे धीरे सेंटर में इकट्ठा होने लगता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बेहद ही तेज गति से बढ़ने लगता है। और जब इसके कोर का टेम्परेचर एक खास क्रिटिकल टेम्परेचर के पार चला जाता है, तब उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान इसके कोर का बेहद ही हाई टेम्परेचर वहाँ मौजूद हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिस दौरान बेहद ही बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। हमारे यूनिवर्स में मौजूद सभी स्टार्स इसी एनर्जी से प्रोड्यूस होते हैं। पर रेड ड्वार्फ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे छोटे तारों में गिने जाते हैं। इनका मास हमारे सन के मास का मात्र 8% से लेकर 50% तक ही होता है। कम साइज के चलते ये बेहद ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इनके सरफेस का एवरेज टेम्परेचर करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं हमारे सन का एवरेज टेम्परेचर करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कम टेम्परेचर और छोटे साइज की वजह से ये काफ़ी डीम होते हैं और इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद धीरे धीरे अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन को फ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी उम्र दूसरे तारों से कहीं ज़्यादा होती है। जब ये अपने कोर में मौजूद सारे फ्यूल को ख़त्म कर देते हैं, तब इनका आउटर लेयर ख़त्म हो जाता है। बस इनका कोर ही बचता है, जिन्हें वाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। पर ये वाइट ड्वार्फ और कई बिलियन सालों तक अपने अंदर मौजूद हीट की वजह से ज़िंदा रहते हैं, पर धीरे धीरे उनकी यह हीट भी ख़त्म हो जाती है और ये ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेते हैं, जो कि इनका इनएक्टिव कोर होता है। जहाँ हमारे सन जैसे तारों की उम्र मात्र 10 to 12 billion ईयर्स होती है, वहीं इन रेड ड्वार्फ स्टार्स की उम्र 1000 billion ईयर्स से लेकर करीब 10,000 billion ईयर्स तक हो सकती है। अगर इनकी तुलना हमारे यूनिवर्स की उम्र मतलब 13.8 billion ईयर से की जाए, तो यह काफ़ी ज़्यादा है। यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म से लेकर अब तक किसी भी रेड ड्वार्फ स्टार्स ने अभी तक अपनी उम्र का 1% भी पार नहीं किया है, जिससे आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये रेड ड्वार्फ स्टार्स कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में ये तारे सबसे ज़्यादा समय तक अपने ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स को और इस विशाल यूनिवर्स को अपनी रोशनी से जगमग करते रहेंगे। इन तारों की मृत्यु सबसे आखिरी में होगी, जब हमारे यूनिवर्स में मौजूद आखिरी तारे का अंत होगा और ये पूरा यूनिवर्स अंधकार के युग में चला जाएगा, जहाँ केवल ब्लैक होल्स ही बचे होंगे। शुरुआती अध्ययन के दौरान साइंटिस्ट ने इन रेड ड्वार्फ स्टार्स को इनके बेहद ही कम टेम्परेचर और लाइट्स के कारण ब्राउन ड्वार्फ समझ लिया था, क्योंकि ये स्टार्स साइज और मास में
किसी ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स की तरह दिखाई देते थे, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ब्राउन ड्वार्फ काफ़ी ठंडे और डीम होते हैं, जिनका निर्माण रेड ड्वार्फ स्टार्स की तरह ही होता है, पर इनके कोर का टेम्परेचर कभी भी उस क्रिटिकल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता जहां इनके अंदर फ्यूजन शुरू हो पाए, जिसकी वजह से इन्हें फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, जो कि तारे जैसे तो होते हैं मगर असल में वे तारे होते ही नहीं। रेड ड्वार्फ स्टार्स की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स पर लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। ये तारे कई बिलियन ईयर्स तक एक समान रह सकते हैं, जिसकी वजह से इनके इर्द गिर्द मौजूद प्लैनेट्स को इवॉल्व होने के लिए काफ़ी लंबा समय मिल जाता है। अनुमान के लिए हम आपको बता दें कि हमारे अर्थ पर जीवन को पनपने के लिए करीब 1 बिलियन ईयर्स का समय लगा था, यानी 1 बिलियन सालों के दौरान हमारे अर्थ पर जीवन के पनपने के लिए स्थिति बिल्कुल ठीक थी। वहीं इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों पर जीवन के पनपने के लिए कई सैकड़ों बिलियन साल का समय मिल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है। ऐसे में इतने लंबे समय में इन ग्रहों पर कठिन से कठिन माहौल में भी कई तरह के कॉम्प्लेक्स लाइफ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये तो आपने जाना कि रेड ड्वार्फ होते क्या हैं, अब जानते हैं कि व्हाट इज़ द हैबिचुअल जोन ऑफ रेड ड्वार्फ स्टार्स। ये तारे काफ़ी ठंडे होते हैं, जो कि काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिचुअल जोन इनके काफ़ी पास ही होता है। एक अनुमान के मुताबिक इनका एवरेज हैबिचुअल जोन हमारे सन की अपेक्षा करीब 25 गुना ज़्यादा पास हो सकता है, जिसकी वजह से इनके हैबिचुअल जोन में मौजूद प्लैनेट्स इनके काफ़ी पास होते हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इनके हैबिचुअल जोन में मौजूद ये प्लैनेट्स अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकते हैं, यानी कि इन प्लैनेट्स का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जहाँ हमेशा रोशनी रहती है, और दूसरा साइड हमेशा अपने तारे की दूसरी तरफ होता है, जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। यानी इस प्लैनेट्स के एक तरफ तापमान ठीक जीवन के पनपने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ लिक्विड वाटर गैस बनकर उड़ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तापमान जीवन के पनपने के लिए काफ़ी ठंडा होता है, जहाँ लिक्विड वाटर सॉलिड के रूप में जमा ही रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि रेड ड्वार्फ का आधा प्लैनेट्स जीवन के लिए ठीक है और आधा हिस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई सालों तक किए गए अध्ययन के दौरान देखा गया कि रेड ड्वार्फ स्टार्स बेहद ही खतरनाक सोलर फ्लेम्स और रेडिएशन इमिट करते हैं, जो इनके प्लैनेट्स में मौजूद किसी भी प्रकार के लाइफ फॉर्म को एक ही झटके में ख़त्म करने की ताकत रखता है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इन तारों के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों पर किसी भी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है, पर धरती पर वैज्ञानिकों को जीवन के सबूत बेहद ही गर्म वोल्केनोस, बेहद ही ठंडे ग्लेशियर्स और यहाँ तक कि इम्पटी स्पेस में भी मिले हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द मौजूद ग्रहों को खतरनाक माहौल में भी किसी प्रकार का जीवन पनपने में सुविधा हो। कई सालों तक किए गए रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इन रेड ड्वार्फ स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे धरती जैसे रॉकी प्लैनेट्स का पता चला है। ये तारे काफ़ी कूल और डीम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स अपने स्टार्स की तेज रोशनी की वजह से गुम नहीं होते और उन्हें ढूंढना और उनका अध्ययन करना काफ़ी सरल होता है। नासा के कैपलर और टेस टेलीस्कोप ने लंबे समय तक इन तारों के ऑर्बिट्स में मौजूद प्लैनेट्स की खोज और उनका अध्ययन किया है, और इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सोलर सिस्टम का पता चला जहां जीवन मौजूद होने की पूरी संभावना है। हमारे धरती से सबसे नज़दीक में मौजूद सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी है, जो कि हमसे करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इस स्टार सिस्टम में कुल मिलाकर के 3 तारे मौजूद हैं, जिनमें से 2 तारे बाइनरी स्टार्स हैं, जो कि एक कॉमन ऑर्बिट में एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। वहीं इस सोलर सिस्टम का 3रा स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार्स है। यहाँ मास में हमारे सन का मात्र 12% है और हमारे सूर्य से केवल 0.1% ही चमकीला है। कई साल तक किए गए खोज के बाद साइंटिस्ट को इसके ऑर्बिट में मौजूद प्लैनेट्स प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का पता चला, जो कि पृथ्वी के आकार का ही रॉकी प्लैनेट हो सकता है। यह प्लैनेट्स अपने तारे के हैबिचुअल जोन में मौजूद हैं, जहां लिक्विड वाटर लंबे समय तक अपने लिक्विड स्टेज में बना रह सकता है, जिसकी वजह से यहां किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।
पर प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार्स हमारे सन से काफ़ी छोटा और कम चमकीला है, जिसकी वजह से इसका हैबिचुअल जोन हमारे सन के हैबिचुअल जोन से करीब 25 गुना पास है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे का चक्कर काफ़ी नज़दीक से लगाता है और इसे अपने तारे का चक्कर काफ़ी नज़दीक से लगाने में मात्र 11 दिन का समय लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड भी हो सकता है। ऐसे में इस ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के होने की संभावना तो काफ़ी कुछ कम लगती है। वहीं इसके बाद सबसे जाना पहचाना रेड ड्वार्फ स्टार ट्रोपिस्ट 1 सिस्टम है, जो कि हमसे करीब 39 लाइट ईयर दूर पर मौजूद है। इसका मास हमारे सन का मात्र 9% है और इसका आकार हमारे सन का केवल 12% है। कई साल तक किए गए स्टडीज के दौरान साइंटिस्ट को इस ड्वार्फ स्टार्स का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों का पता चला है। सबसे खास बात यह है कि ये सभी प्लैनेट्स हमारे अर्थ की ही तरह रॉकी प्लैनेट्स हैं, जिनका आकार हमारे अर्थ के बराबर या उनसे थोड़ा छोटा हो सकता है। पर इन सभी ग्रहों में से ट्रोपिस्ट 1 प्लैनेट अपने तारे के हैबिचुअल जोन में मौजूद है, जहां साइंटिस्ट को एक ठीक और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इस ग्रह पर हमारी धरती से भी ज़्यादा लिक्विड वाटर और शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। साथ ही इस सोलर सिस्टम में 2 और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कि अपने तारे के हैबिचुअल जोन के आसपास मौजूद है। तो ये रेड ड्वार्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ को बनाए रखने में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।